In this activity, we will configure a standard ACL implementation. To do that, we will plan an ACL implementation, then we will configure it, then we will apply it to the interfaces of the topology, and then we will verify the standard ACL implementation. So, as you can see on the screen, uh, this is a typical network which has three routers uh, R1, R2, and R3, and a web server. So uh, first of all, uh, we will uh, basically uh, look into the topology and investigate the current uh, con network configuration. So uh, let's uh, first, uh, you know, see if everything is connected. So um, I'm gonna quickly, uh, you know, uh, ping, uh, you know, a machine. So let's say this PC3 is, has an IP address. Uh, 192.168.30.10. I'm gonna ping this uh, machine. All right. So the network is connected. Okay. So now we're gonna have to uh, basically, you know, go through the network policy. All right so before we uh, implement the acl we should know the network policy uh, and uh, the policy is that uh, 192.168.11.0 network this network is not allowed access to the web server this web server which is located on the network 192.168.20.0 and this network and all other you know access is, is permitted all right, so this is the policy, and in, to implement this policy, we have to create an ACL, and we have to apply that ACL to the interfaces. So in order to restrict the access uh, from this network to the web server, this over here, without interfering with other traffic, ek, uh, we need an ACL, Jo ke ham ACL, create carrying edge, R2Gham, apply carrying. Uh, जो है जो एक्सेस लिस्ट जो होगी वो हमें प्लेस करेंगे इस आउटपाउंड इंटरफेस पे राइट right? जो कि इस वेब सर्वर को जा रहा है फिर हमें एक और जो है रूल स्टेटमेंट एक्सेस लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी आर टू के ऊपर जो कि बाकी तमाम ट्रैफिक को अलाउ करेगी सिमिलरली आर थ्री के ऊपर भी कुछ जो है आप नेटवर्क पॉलिसीज हैं वो ये है कि जो आपका 192.168.10.0 ये वाला जो नेटवर्क है आपका इसको अलाउ नहीं है कि वो कम्युनिकेट कर सके इस नेटवर्क के साथ 192.168.30.0 नेटवर्क के साथ इस नेटवर्क के साथ ये कम्युनिकेट नहीं कर सकता ये वाला नेटवर्क और इसके अलावा तमाम एक्सेस जो है वो परमिटेड है तो इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि यहां से कोई ट्रैफिक इधर ना आए बगैर इंटरफेयर करने के बाकी ट्रैफिक के इंटरफेरेंस ना हो तो हमें एक, एक और ए बनानी होगी जो कि हम इस आर थ्री राउटर पे क्रिएट करेंगे और वो जो ए है ये इट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन दी आउटबाउंड इंटरफेस एस पी सी थ्री के आउटबाउंड इंटरफेस में हमें प्लेस करनी पड़ेगी फिर हमें एक और रूट बनाना पड़ेगा जो कि बाकी तमाम ट्रैफिक को अलाउ करेगा सो so ये हमें नेटवर्क पॉलिसी जो मैंने आपको पहले बताई है उसके लिए हमने ए जो है वो हमने फैसला किया एसीएल हमने बनानी कौन सी है और कहा इंप्लीमेंट करनी है सो नाउ बेसिकली नोइंग द नेटवर्क पॉलिसी एंड बेसिकली वर्किंग ऑन द एसीएल सो वी नीड टू नाउ कन्फिगर एंड अप्लाई द ए सी एल ऑन द राउटर एंड इंटरफेसिस यू नो द फर्स्ट ए सी एल ऑन राउटर आर टू सो एम गोन गो टू राउटर आर टू राइट इसकी सी एल आई फ्रॉन्ट में जाऊंगा मैं इसकी ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड में और जो है मैं एक एक्सेस लिस्ट बनाऊंगा उसको आईडी दूंगा लेट से वन और मैं डिनाई करूंगा ट्रैफिक को कहा से सोर्स क्या है वन टू डॉट वन सिक्सटी डॉट इलेवन डॉट जीरो और उसका वाइल्ड कार्ड मास क्या है जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो और जिस तरह के हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट जो एक्सेस लिस्ट होती है वो तमाम ट्रैफिक को डिनाई करती है जो कि कोई भी रूल मैच ना करे तो बाकी तमाम ट्रैफिक को परमिट करना है हमने इसके अलावा हम तमाम ट्रैफिक परमिट करना है तो हमें जो है एक और रूल बनाना पड़ेगा एक्सेस लिस्ट वन परमिट एनी राइट और ये याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड एसी एल है तो इसमें सिर्फ सोर्स आपको ये देना पड़ता है आईपी एड्रेस के ऊपर चलती है तो हम इसको अप्लाई करेंगे कि ताकि ये एक्चुअली फिल्टर करे ट्रैफिक को तो हम राउटर में की किसी इंटरफेस को अप्लाई करेंगे और वो ओबियसली वो आउटबाउंड इंटरफेस है गीगा बिट जीरो तो हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे इंटरफेस गीगा बिट ई थे जीरो स्लैश जीरो राइट और उस पर हम ये अप्लाई कर देंगे जो हमने बनाया अभी एसीएल स्टैंडर्ड ए सी एल और उसकी डायरेक्शन आउट हम सेट कर देंगे इसी तरह हम आर थ्री में जाते हैं और वहां हम जाकर अप्लाई करते हैं अपना दूसरा जो ए सी एल है हमारा इसकी कमांड क्रमान में गए राइट ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड एक्सेस लिस्ट आई दिया वन और डिनाई कर रहा हूं मैं ट्रैफिक को फ्रॉम वन और वाइल्ड कार्ड मास क्या है 0.0.0.255 राइट right. इसके बाद जो है बाकी तमाम जो है ट्रैफिक को मुझे अलाउ करना है क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो नहीं होगा वो सब डिनाई हो जाएगा एक्सेस लिस्ट आई डी वन परमिट एनी राइट उसके बाद मैं इसको प्लेस करूंगा और ऑब्वियसली मैं इसको गीगा बिट जीरो स्लैश जीरो इंटरफेस में प्लेस करूंगा और उसको अप्लाई करूंगा जो है एसीएल जो मैंने अभी क्रिएट की है वन आउट तो हमने अभी दो एसीएल क्रिएट किए और उनको हमने अप्लाई कर दिया है राउटर आर टू और राउटर आर थ्री में So, अब हम वेरीफाई करते हैं अपनी ए को राइट right? सो so, अगर मैं आर टू में जाऊं और वहां लिखूं, शो एक्सेस लिस्ट तो ये मुझे दिखा देगा जो मैंने ए सी एल कन्फिगर की है राउटर के ऊपर और वो है ये दो रूल्स राइट right? और ये उसके सीक्वेंस नंबर उसने असाइन किए सिमिलरली आप रनिंग कन्फिक भी देख सकते हैं और उसमें भी आपको इसके जो कॉन्फ़िगरेशन है एसीएल की वो आपको नजर आ जाएगी ये देखें आईपी एक्सेस इस इंटरफेस की ग्रुप वन आउट सिमिलरली आप शो आईपी इंटरफेस गीगाबिट जिसके ऊपर आपने अप्लाई किया है इंटरफेस वो भी आप उस पर आप चेक कर सकते हैं क्या क्या लगा हुआ है ये देखें आउटबाउंड एक्सेस लिस्ट लगी हुई है इस ऑन इन बाउंड एक्सेस लिस्ट आपने नहीं सेट की इसी तरह आप राउटर आर थ्री में जाके भी ये कमांड करके वेरीफाई कर सकते हैं अपनी ए सी एल की कॉन्फ़िगरेशन और उसकी फंक्शनैलिटी तो हम टेस्ट करते हैं हम अब इसको टेस्ट करते हैं और हम पिंग करते हैं फ्राम किसी मशीन से पिंग करते हैं हम इस मशीन से पिंग करते हैं पीसी वन जो है राइट right? इससे हम पिंग करते हैं वन नाइन्टी टू डॉट वन सिक्सटी डॉट डॉट टेन मशीन को और ये पिंग हो रहा है, राइट? Right? सो so, ये कौन सी मशीन है ये वाली मशीन है राइट अब मैं वेब सर्वर को एक्सेस करता हूं और देखता हूं कि एक्सेस होता है कि नहीं होता वेब सर्वर का एड्रेस क्या है हमारे पास 192.168.20.254। पिंग 192. एट ट्वेंटी टू पिंग हो रहा है राइट right? फाइनली अब मैं देखता हूं कि यहां से आप इस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते जो कि हमने ए सेट किया था कि आप नहीं कर सकते उसका so, पिंग क्या है 192.168.30.10 और ये देखें ये पिंग फेल हो रही है सो so, इसका मतलब है जो एक्स ए सी एल हमने कॉन्फ़िगर की अप्लाई की वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो रही है और वो एग्जीक्यूट भी हो रही है राउटर के ऊपर